Hello students, welcome to my e-learning classes. I am Mr. Vidhan, your English teacher from Vidhan English Classes. Today I am going to acquaint you all about a very important topic from writing section, that is section B, that is notice writing. So without wasting any time, let's get started. Now, what's notice? In simple terms, notice is a written announcement of any event to draw attention to. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. Notices are put up on display boards in school or at public places. Notice usually covers an event, an inauguration, a function, or a general instruction. For students in school situation or for general public in social situation. Now students, promise me that you will watch this video till the end. And agar aap mere bataye tips par chalte ho, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 4 out of 4 मार्क्स कंफर्म्ड है. टू बिगिन विद, नोटिस राइटिंग व्हाइल राइटिंग अ स्टूडेंट मस्ट टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग. अब ये फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट एक तरीका है, पैटर्न है, एक ढांचा है, एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, जिसको फॉलो करते हुए ही आपको नोटिस लिखना है. बट बिफोर फॉर्मेट, लेट मी अक्वेंट यू ऑल विद द मार्किंग स्कीम ऑफ द नोटिस राइटिंग, दैट इज CBSE. नोटिस के किस किस स्टेप्स को, पार्ट को कितना कितना नंबर अलॉट किया है. सो फॉर्मेट कहता है आपको इश्यूइंग अथॉरिटी को सबसे ऊपर लिखना है. अपने पेज पर आंसर शीट पर डेट लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखना है. नोटिस शब्द ब्लॉक में मिडिल में लिखना, हाईलाइट करते हुए. हेडिंग भी नोटिस के नीचे ब्लॉक में लिखना है और फिर बॉडी एंड एट द एंड नेम एंड डेजिग्नेशन इन द लेफ्ट साइड बॉटम. इन सब बातों के लिए CBSE ने नोटिस को 1 मार्क अलॉट किया है. इज फॉर्मेट इक्वल टू 1 मार्क. अब कंटेंट पे आइए. इसको कैसे लिखेंगे, इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसमें क्या कितना मार्क्स अलॉट किया गया है. कंटेंट दैट इज मेन पार्ट, दैट इज बॉडी ऑफ द नोटिस. नाउ हाउ वी स्टार्ट, डू फॉलो हियर सम कॉमन लाइन व्हाइल राइटिंग योर नोटिस, स्टार्टिंग योर नोटिस कंटेंट. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट ये होने वाला है. और दिस इज टू नोटिफाई दैट ये होने वाला है. दैट इज व्हाट का उत्तर दो आप, क्या होने वाला है. आपका कंटेंट बढ़ते जाएगा. वेयर, कहां होने वाला है. व्हेन, कब होने वाला है इवेंट. हु, फॉर हूम द नोटिस इज. व्हाट टू डू, दैट मीन्स You have to write instruction in notice देने. अपने target लोगों से क्या क्या चाहता है. Instruction notice में क्या है, जैसे कि magic show होने वाला है. Students आप ticket खरीद सकते हो school business office से. इतना ticket का price है और महान magician आ रहा है. इतना, That is by 10 a.m.
अपना अपना स्थान ले लेना। यानी नोटिस का कंटेंट स्टार्ट होगा स्टार्टिंग कॉमन लाइन से एंड देन व्हाट वेयर व्हेन हाउ व्हाट टू डू ये सब बातों का आप उत्तर दोगे। आपका कंटेंट यू ही बढ़ता रहेगा। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज नोटिस राइटिंग एंड देन परफेक्ट एंडिंग लाइन वो भी कॉमन लाइन आपको याद रखना है। दैट इज फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। दैट इज जिसके लिए नोटिस है उसको आपने कहना है कि अगर फिर भी नोटिस पढ़ने पर कोई दिक्कत हो कंफ्यूजन हो देन यू मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड एट द बॉटम लेफ्ट साइड पेज पर जिसका नाम है उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और नीचे किसका नाम रहता है नोटिस देने वाला व्यक्ति का दैट इज रवि कुमार। रवीना कुमारी हो सकती है स्कूल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। So students, if you cover all these points in your content, that is, if you answer 6 W's, that is, what, who, where, when, what to do, whom, your content will automatically develop, come to shape, that is, to write the content. No need to memorize students, simply answer W6. This is complete formula of writing content. For this content, CBSE has allotted 2 marks. You write in this manner, your content following SNDH first line plus W6 plus LL, that is last line. This is the formula I have made it. Just go through this formula, go according to this formula and your whole notice will be completed and nobody can stop you scoring 4 out of 4 marks. So students, if you cover all these points in your content, that is, if you answer 6 W's, that is, what, who, where, when, what to do, whom, your content will automatically develop, come to shape, that is, to write the content. No need to memorize students, simply answer W6. This is complete formula of writing content. For this content, CBSE has allotted 2 marks. You write in this manner. Your content following SNDH first line plus W6 plus LL, that is last line. This is the formula I have made it. Just go through this formula, go according to this formula and your whole notice will be completed and nobody can stop you scoring 4 out of 4 marks. Moreover, your content must be free from grammatical error and spelling mistakes. And this aspect is called expression. For this, your examiner allot you 1 mark. That is, format equal to 1 mark, content equal to 2 marks, expression equal to 1 marks. Total notice writing ka marks, 4 marks. Now students, let me acquaint you with the rules of notice writing. While writing a notice, you must keep these things in mind and go accordingly. Write your notice in 50 words. Your word limit should be around 50 words. Notice word and heading must be written in block letter. Jo notice likhte ho, suchna, that notice word should be highlighted in block letter. And heading also must be highlighted. Date,
left hand side corner of your answer sheet. Enclose your notice in a box. Use future time references which predominate over other tenses. Our school is organizing a cultural program at the end of the next month. There should be no use of I, we, and me. Now, let me give you a figurative representation of the notice writing. आपका नोटिस आंसर शीट में कैसा दिखना चाहिए? सबसे ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट स्किप अ लाइन फॉर नीटनेस एंड देन यू राइट इन अ ब्लॉक लेटर N O D I C E नोटिस. देन लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर डेट. Date in full. Suppose अगर 15th April है, then you must write 15th April 2020. Then again, notice के सीध में, block में, heading, H-E-A-D-I-N-G नहीं, बल्कि heading, जो event होगा, जो notice का मुद्दा है, interstate football tournament, inter-school singing competition, etc., etc. Anything can be the event. Then you will start with the body or content. This is to inform to all. Answer 6W. What, who, where, when, what to do, that is instruction. Whom to contact in case of any confusion regarding notice. So aapka jo notice hai, बिल्कुल चलता रहेगा स्मूथली इफ यू फॉलो फॉर्मूला एस एन डी एच. फर्स्ट लाइन प्लस डब्ल्यू सिक्स आंसर डब्ल्यू सिक्स डब्ल्यूज. अब आंसर करो व्हाट, क्या होने वाला है, मैजिक शो होने वाला है. हु, किसको ये नोटिस है. वेयर, कहाँ होने वाला है. व्हेन, कब होने वाला है. व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्शंस, नोटिस के अनुसार करना क्या है लोगों को. होम टू कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग नोटिस. आप ये सब उत्तर दे दो, आपका कंप्लीट नोटिस हो जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में यू राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द नोटिस. Who is supposed to write a notice according to the question. And then just below you write a designation. कि वह बालक, वह बालिका, बालक, वह बालिका जो नोटिस दिया है वो क्या है. स्कूल प्रीफेक्ट है, स्कूल कैप्टन है, स्कूल प्रेसिडेंट है. Now students, whatever I discussed with you, now accordingly I will solve a question for you. Now let's solve a notice writing sample. Question is, your school is holding a summer camp for training students in cricket and football. Write a notice for the school notice board of SVM Vidyalaya, Allahabad. You are the sports captain of the school. So the moment you receive question paper, notice ka question jaise saamne aaye, aap rough mein ek formula bana lo mera. S N D H plus first line plus W 6 plus last line. और इसके अनुसार आप पढ़ते जाओ, आपको याद करने कोई जरूरत नहीं है. एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व होल नोटिस. कोई भी नोटिस आएगा आप इस पे रख दो एंड यू विल स्कोर 4 out of 4. इट्स माय गारंटी. सो रिमेंबर अगेन द फॉर्मूला ऑफ नोटिस राइटिंग. सिर्फ इस पे रख देना है कोई भी नोटिस आपको आए. एस एन डी एच, एस फॉर स्कूल नेम या संस्था का नाम. एन फॉर नोटिस इन ब्लॉक लेटर. D for date, left hand side corner. H for heading. Heading क्या है? जिस मुद्दा पे नोटिस हमें लिखना है. Plus first line.
इन कॉमन होता है नोटिस का, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पब्लिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी लिखना आगे बढ़ते जाओ आप. दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल. अब डब्ल्यू सिक्स का उत्तर दे दो आप मन ही मन. डब्ल्यू व्हाट, क्या होने वाला है? ओह क्वेश्चन अनुसार क्या होने वाला है भाई? ट्रेनिंग स्टूडेंट का होगा समर कैंप में फुटबॉल और क्रिकेट का. सो यू विल गो अहेड. This is to inform all the students that our school is holding a summer camp for training students in the game of cricket and football. What ka kaam ho gaya? Where? Kahan ye hone wala hai? The camp shall be held on the ground of the Gandhi Stadium from, that is, when ka uttar, from kab se? The 20th of April to the 30th. Those who are willing to participate, that is whom? Kisko likh rahe hai? Kisko bol rahe hai? Those who are willing to participate, students, should give their names to the undersigned. Ani, what to do? Instruction ke kya kya karna hai? Wo likho aap notice mein ab. और एक और लाइन जोड़ देंगे अपने मन से. इंस्ट्रक्शन के अनुसार व्हाट टू डू के अंदर आएगा वो, ईच पार्टिसिपेंट शैल हैव टू पे रुपीज 500 ओनली फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग. एक्स वाई जेड राइटर का नाम अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में, कि आप मुकुल हो, कि अविनाश हो, कि रवीना हो, तो आपको अपने मन से आपको लिखना होगा एक्स वाई जेड एंड देन जस्ट बिलो इट डेजिग्नेशन स्पोर्ट्स कैप्टन. So in this way, students, we have attempted our notice writing questions successfully. And I again repeat, just follow the formula SNDH plus first line plus W6 plus last line. And the last line is, for further information, you may contact the undersigned. तो सिर्फ आपको याद रखना है फर्स्ट लाइन दिस इज टू इन्फॉर्म वाला, और फिर लास्ट लाइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड. ये दोनों कॉमन लाइन है, और बीच जो कंटेंट होता है वो W6 का उत्तर दे दो. आपका कंप्लीट आंसर, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज, एंड माय स्टूडेंट विल स्कोर 4 out of 4. होप नाउ नोटिस राइटिंग इज क्लियर टू यू ऑल एंड you would be able to score full marks in that topic. Please share, like and subscribe my video so that others could be benefited. And lastly, thanks for watching.